मेरा ख्याल है कि शुरू में हमारा मोमेंटम ही नहीं बना कि बैटिंग कोलैप्स करते रहिए, फिर बॉलिंग में भी उस तरह नहीं हो सका। और मेरा ख्याल इधर आके फिर हमारी एकदम मीटिंग हुई है कि कोच ने प्लान दिया कि अगर कोई एक प्लेयर लंबा ले जाए मैच को और एक तरफ से कोई खुल के खेले तो मेरा ख्याल उससे हम जीत सकते हैं। मैं लास्ट ईयर वनडे खेला, उसमें भी मैंने टॉप किया था, तो उसमें भी ओपन ही की थी, तो मेरा ख्याल मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ ओपन खेलना रादर देन मैं मिड ऑर्डर खेलूँ या लोअर ऑर्डर खेलूँ। बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत मानी रखता है कि मैं इधर परफॉर्म करूँगा तो मुझे आगे चांस मिलेगा, PSL में चांस बनेगा या फर्दर आगे पाकिस्तान खेलूँगा, तो अगर इधर परफॉर्म करूँगा तो आगे मेरा वो बस यही था कि हम नॉट आउट जाएंगे, लंबा लेके जाना है मैच जितना हो सकता है, मतलब आखिरी ओवर तक, क्योंकि हम लोग हिट मार सकते हैं। तो उसके बाद फिर खुशदिल भी आया, उसने भी थोड़ा सा मतलब किया, उसने भी हिटें मारी, लेकिन ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि दोनों की बारी लगी और स्कोर तेज हो गया। बस यही है कि सोच समझ के बॉलिंग करनी है, और अगर बैटिंग में हम एक बंदा भी लंबा ले जाए तो हम लोग इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और आगे दो मैच अगर हम जीते हैं तो इंशाल्लाह फिर हम क्वालिफाई कर सकते हैं। जो भी हो, खेल तो हो रहा है। ओसाका बैटरीज प्रेजेंट्स पेप्सी नेशनल T20। देखिए लाइव PTV स्पोर्ट्स पर 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक।